नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव 2021 होने वाला है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दमोह जिले को लेकर। जी हां, चुनाव आयोग ने दमोह उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, दरअसल 17 अप्रैल को एमपी के दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। बड़ी खबर है, चुनाव आयोग के तारीखों का ऐलान करते ही सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो गई हैं। इसके लिए 2 मई को मतों की गिनती होगी और 23 मार्च को चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 30 मार्च तक उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि है। वहीं 3 अप्रैल को नाम वापसी की आखिरी तिथि रखी गई है। यह सीट कांग्रेस विधायक रहे राहुल लोधी के इस्तीफे से खाली हुई है। आपको हम बता दें कि ये वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल करने वाले राहुल लोधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के बाद 2021 विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। राहुल लोधी इस बार वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह से राहुल लोधी के नाम पर मोहर लगा दी हो, लेकिन बावजूद इसके राहुल और भाजपा के लिए जीत की राह कठिन होने वाली है। इसलिए दोनों विरोध भी देखने मिल रहा है राहुल लोधी का। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां पूर्व मंत्री जयंत मलैया बन सकते हैं, क्योंकि राहुल लोधी ने मलैया को चुनाव में हराया था और मलैया ने लगातार 6 बार दमोह विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है और उपचुनाव में भी दावेदार थे। इतना ही नहीं, बीते दिनों दमोह से उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया और पत्नी सुधा मलैया का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला था। ऐसे में बीजेपी के सामने ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि अपने भी चुनौती बनने वाले हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। यहाँ पर अब हम आपको दिखा रहे हैं पूरा दमोह उपचुनाव जो है 2021 का कार्यक्रम, जो है पूरा शेड्यूल आप देखें स्क्रीन पर। दिनांक 23 मार्च मंगलवार को उपचुनाव का गजट नोटिफिकेशन है। दिनांक 30 मार्च मंगलवार को नामांकन जमा करने की लास्ट डेट रखी गई है। दिनांक 31 मार्च बुधवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। दिनांक 3 अप्रैल शनिवार को नामांकन वापस लेने की लास्ट डेट है। दिनांक 17 अप्रैल 2021 को शनिवार को यानी मतदान यानी वोटिंग का दिन है। वहीं 2 मई को रविवार को मतगणना एवं चुनाव परिणाम आएगा। पर यही दमोह की राजनीति का निर्णायक दिन साबित होगा, क्योंकि अब दमोह के सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें चल रही हैं और पिछले कुछ हफ्तों से लगातार राहुल लोधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी अवश्य है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सागर टाइम।